अनुराग मुझे बहुत टाइम बोले कि तुझे लेके मुझे फिल्म बनानी है। अनुराग सर को लगता है तो मुझे लगता हाँ, शायद कुछ होगा तो मैं इंस्पेक्टर एक्शन कर रहा ठीक है क्योंकि हमारे टाइप भी बन गया है ना कि yeah. इंस्पेक्टर जो है वो सिक्स पैक वाले है एकदम तगड़ी बॉडी वाले है बहुत हाँ, बहुत दिन मतलब वो राउंड टेबल किया था शायद उसके बाद आप ज़्यादा वक्त हो गया थैंक यू मुझे बुलाने के लिए तो <laughs> की है। लेकिन आज घर बंदूक बिरयानी इसका क्या मीनिंग है क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान तो मैंने सुना है क्या कनेक्शन है ये फिल्म का नाम पहले था बिरयानी सिर्फ बिरयानी था और मेरा जो दोस्त है जिसकी कहानी है जिसने कॉन्सेप्ट या पहला ड्राफ्ट जो लिखा था हेमंत तो हेमंत जो पास... फिल्म के डायरेक्टर फिल्म के डायरेक्टर जी तो हेमंत ने मेरे पास लेके आया था और उनको था कि मैं एक्टिंग करूँ और आकाश और जो अभी सहजी हिंदे रोल कर रहे हैं ना जो डाकू के अटायर में वो, वो मेरे लिए था लेकिन मुझे था कि ये पूरी स्क्रिप्ट नहीं है अभी तक ये शायद ठीक से पकी हुई स्क्रिप्ट नहीं है तो बाद में देखते हैं तो तीन चार महीना गया फिर हम मिले और हेमंत और मेरा छोटा भाई उनको था कि एक बार तू अगर ध्यान देगा या अगर तेरे को वक्त मिलेगा तो तू इसमें इन्वॉल्व होकर लिख ले तो उन दिनों मैं बहुत कुछ कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा लेकिन एक बात थी कि कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था जो मराठी में शायद ऐसे ऐसी फिल्म नहीं बनी थी और फिर हमने लिखना शुरू किया और देखते हैं क्या होता है तो लिखते लिखते मुझे लगा कि ये सिर्फ बिरयानी वाली बात नहीं है तो ये घर बंदूक बिरयानी है ये फिल्म जो है और ये न कभी कभी आपकी कहानी ही आपको नाम देती है उसका टाइटल वो खुद देती है आपको आपको ठीक से अगर देखें आप तो टाइटल भी वहीं पर मिल जाता है फिल्म का जो स्वभाव था स्क्रिप्ट का तो उससे निकल के ये नाम आया कि घर बंदूक बिरयानी तो मुझे हमेशा मैं सोचता हूँ कि स्क्रिप्ट का टाइटल या फिल्म का टाइटल अच्छा होना चाहिए या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि ध्यान जाए आपका तो उसके तहत ये घर बंदूक बिरयानी ऐसा टाइटल आया अच्छा थोड़ा बताएं कॉन्सेप्ट क्या था कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सिंपल है तीन लोगों की कहानी है तीन लोग हैं आकाश जो एक कुक है सहज शिंदे हैं जो एक डाकू है और मैं हूँ और मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ पहली बार और इनके इर्द गिर्द ये कहानी है और इसकी खासियत अगर कहूँ ये मेरी जो पहली फिल्में हैं ना सारी तो ये उससे बिल्कुल अलग है बिल्कुल अलग हाँ, दिखती है इतनी कॉमेडी तो मैंने पहले आपकी फिल्मों में कभी देखी ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल <laughs> कॉमेडी भी है एक्शन इतना right. मतलब एक चाटा मार दे तो हमारा एक्शन खत्म हो गया टाइप का मराठी या मेरी फिल्म में खास करके ऐसी थी कि बस हो गया लेकिन ये फिल्म की खासियत अगर जैसे आपने पूछा खासियत अगर कहें तो बहुत सारा एक्शन है बहुत बहुत ज़्यादा एक्शन है लेकिन ड्रामा है मतलब मखा का एक्शन नहीं है एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी के साथ एक एक्शन एक, एक थ्रिलिंग एक्शन जुड़ा है कॉमेडी है और जी शिंदे ने जो काम किया है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है आकाश अभी बहुत मच्छूर होकर काम करता है और मेरे लिए ये पहली फिल्म थी कि जिसका इतना बड़ा रोल मैं कर रहा हूँ नहीं तो मैं छोटे मोटे रोल करता था ना, तो ना, ना हाँ मतलब मुझे मुझे भी इंटरेस्टिंग लग हीरो मतलब ये कहते हैं ना कि हैंड्री से मैंने शुरू किया था तो हैंड्री मैंने छोटा रोल किया था और मैं कभी सोचता नहीं था, था कि मैं काम करूँगा लेकिन हेमंत को लगता था कि तू कर एक्चुअली ऐसा मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि फिल्म बनाना है तो उमेश की फिल्म में मैंने काम किया था उमेश कुलकर्णी करने के आ, मैंने पिछले टाइम भी कहा था अनुराग मुझे बहुत टाइम बोले कि तुझे लेगी मुझे फिल्म बनानी है अभी पता नहीं उनको लगता था, था तेरा प्रेजेंस अच्छा है तू मतलब एक्टिंग भी ठीक करता है तो अनुराग सर को लगता है तो मुझे लगता था कि हाँ शायद कुछ होगा तो हमारी बात हैंनरी के टाइम में न्यूयॉर्क में हुई थी ये बात और जब अनुराग सर ने कहा था तो मुझे पहले तो ऐसे ही लगा लेकिन उन्होंने एक दो इंटरव्यू में भी कहा इंटरव्यू में भी कहा कि नागराज को लेकर मुझे फिल्म करना है तो अल्टीमेटली ये फिल्म में जाके मैंने खुद को या हेमंत और बाकी सब मेरी जो टीम है उन्होंने कास्ट किया मुझे और मुझे बहुत मज़ा आया मैं एक्टिंग कर रहा हूँ पहली बार लेकिन ये प्रेशर वाला काम है मैं ज़्यादा डायरेक्शन नहीं एन्जॉय करता हूँ लेकिन आप बहुत अच्छे एक्टर तो हैं वो हमको पता है क्योंकि वैकुंठ हाँ, हमने देखा ओके okay, आपने इत... तो अवार्ड भी दिया था उस बिल्कुल तो इतनी अच्छी फिल्म एंड यू वर सो गुड और बहुत ही मतलब मूविंग फिल्म थी लेकिन जैसे आपने कहा इस फिल्म में इज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल योर अदर वर्क राइट जो भी आपने काम पहले किया है या तो शॉर्ट फिल्म हो पारशाचार्य बंद या सैराग तक लेके यू आर ऑलवेज टेलिंग स्टोरीज ऑफ

मराठी में हो या हिन... मतलब हमारे मराठी लोग तो हिंदी फिल्में देखते हैं तमिल तेलुगु देखते हैं ऐसी फिल्मों की हमारे इसमें कमी है मराठी में हम कंटेंट हो थोड़ा, थोड़ा लार्जर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ थोड़ा सा हीरोइज्म है थोड़ा सा कहना कि सब एक्शन ड्रामा है थोड़ा सा मसाला जिसे हम कहते हैं तो मराठी में है नहीं ज़्यादा करते नहीं और करते भी है तो बहुत कम ये करते हैं मैं पहले सोचता था कि ऐसी फिल्म नहीं बनानी है मुझे मैं खुद सोचता था लेकिन मैं जो कर रहा हूँ तो वो तो करूँगा ही तो मैं जब डायरेक्ट कर रहा हूँ तो वो मेरा मुद्दा है तो शायद मैं ये फिल्म एज ए डायरेक्टर अभी नहीं करता शायद आगे जाके पता नहीं मैं कर भी लेता लेकिन हेमंत की वजह से ये फिल्म मेरे पास आई एक कहानी जिस तरीके की थी और जब भी मैं कोई भी काम करता था तो मैं सोचता कि उसको अच्छे से करना चाहिए फिर फिर आपको मतलब उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप कर रहे हैं लेकिन हाफ हार्टेडली आप कर रहे हैं तो जब ये कहानी आई तो इसमें एकदम आपने जैसे कहा ना कि लार्जर दैन लाइफ है मैं खुद इंस्पेक्टर बना हूँ और आ, पावर का भी गेम है एक्शन भी है पूरा है जो सोच से फिल्म बनाता हूँ इसका इसका वास्ता बिल्कुल नहीं है लेकिन ये है फिर भी सेंसिबल फिल्म एकदम ही सेंसलेस कुछ है ऐसा नहीं है अच्छा। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि, आप <laughs> <laughs> कि हमारे एक्शन मास्टर थे क्या होता जब एक डिजाइन बन गया एक फिल्म आप को पता है कि ऐसी बननी है तो फिर उसको उसी तरीके से absolutely. जितना कॉन्फिडेंस होना है सुर है उसको लगाना चाहिए ठीक हा. से तो फिर जब मैं हेमंत को भी हेल्प भी कर रहा हूँ एज अ प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर एज ह्यूमन बीइंग एज एक्टर सारे मतलब मेरी फिल्म है मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो हर चीज़ में हम सोच रहे थे कि जो है बेहतर कर सकते हैं जितना बजट है ये बजट हिंदी वाला या और किसी बड़े फिल्म का होता है उतना बजट है नहीं और हमारी मराठी की दुविधा हर टाइम ये रहती है कि पहले बड़ा बजट लेके फिल्म बनाएं या पहले पैसे कमा लें और फिर बजट बढ़ाए तो ये मुर्गी और अंडे का जो ये है तो वो हमेशा ही चलता रहता है लेकिन फिर भी जितना हमारे पास जो भी बजट था तो उससे बह, उस उसको लेके हमने बेहतर फिल्म बनाने की कोशिश की तो एक्शन डायरेक्टर पहली बार इस फिल्म को ज़रूरत थी हमने किया नहीं तो इसके पहले मैंने एक्शन डायरेक्टर को कभी ये नहीं किया ज़रूरत नहीं थी, नहीं थी। yeah. जो भी एक्शन था हम ही कर लेते थे या डांस भी झिंगाट से लेके जा रहा तो मैं ही कर कर लेता हूँ लेकिन इस फिल्म को गणेश आचार्य जी ने गाने कोरियोग्राफ किए एक्शन जो मास्टर के गणेश नाम के साथ तमिल के हैं उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ किया तो बहुत इंटरेस्टिंग बना और फिर जब उनके हाथ में जाता है तो वो वो कहते थे कि नहीं ये एटीट्यूड अच्छा लगेगा मुझे लगता है यार मैं करूँगा तो ये कैसे लगेगा ये मुझे जसेगा नहीं और मैं खुद जिस तरीके की सोच रखता हूँ तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है लेकिन ये भी मानता हूँ कि फिल्म फिल्म होती है फिल्म के बाहर मैं मैं जो हूँ हूँ मतलब मैं जैसे अभी हूँ वैसे हूँ लेकिन फिल्म में हो सकता हूँ कुछ भी हो हूं। गुंडा हो सकता हूँ पुलिस इंस्पेक्टर हो सकता हूँ चोर हो सकता हूँ या कोई बिजनेस मैन हो कुछ भी हो सकता हूँ तो उसको लेके मैंने फिर ये किया और जो भी स्टाइलाइज हमने किया है तो हमारे जो फाइट मास्टर हैं बाकी टीम है तो हमने सोचा और किया और मुझे पहले डाउट था कि मैं मैं जो कर रहा हूँ अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ हाँ, पता नहीं फिर कैसे पता चला सब लोग बोलते थे कि ठीक कर रहे है। हैं मुझे डाउट ही था जब जब तक तो ये अभी भी एडिट हो रहा है अभी जब लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं एज ए इंस्पेक्टर एक्शन कर रहा हूँ ये कैसे लगेगा ऐसे मुझे क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे यहाँ और उन्होंने पुलिस वालों के भी रोल किए हैं रोहित शेट्टी जी की फिल्म में सारे पुलिस इंस्पेक्टर yes, सिंगम और ये होते हैं तो यार, यार ये हम मतलब मैं कर रहा हूँ तो बिल्कुल पता नहीं कैसे करूँगा लेकिन सब लोगों को लग रहा था यार अच्छा है तो ये असली वाला लग रहा है तू जैसे पुलिस वाला है तू हीरो नहीं है मान लो लेकिन तू तो है जो भी है ना तो आ, असली वाला लग रहा है तू तो कर तो किया और जो भी मैंने कहा कि जो मैं करने की कोशिश करता हूँ कन्विंस होकर हंड्रेड परसेंट दे के करने की कोशिश करता हूँ मुश्किल है बिल्कुल you? मुझे डायरेक्शन बहुत आसान लगता है मतलब मैं आपको आप मुझे एक स्क्रिप्ट दो नींद से उठाओ और बोलो कि ये करना है डायरेक्ट मेरे तरीके से मेरे नेचुरली जो भी है मुझे उसका प्रेशर नहीं आता है अभी डायरेक्ट करना है इसका प्रेशर नहीं आता मुझे बगैर स्क्रिप्ट के भी मैं अगर कुछ कहानी तो डायरेक्ट कर लो लेकिन एक्टिंग का पता नहीं मतलब मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना हाँ मजा आता है लेकिन मुझे पता है कि बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और वैकुंठ भी किया तो मुझे प्रेशर था लेकिन वो एंड वक्त ऐसा हुआ कि आ, हमारी बात हो गई कि तू ही कर ली मेरा लुक वैसे ही था लॉकडाउन के बाद दाढ़ी और ये बढ़ाई थी तो ऐसा नहीं कि मुझे एक्टिंग करना ही नहीं है बिल्कुल करनी होती है लेकिन डर भी लगता है और हर... आप इनसिक्योर एक्टर हो शायद मुझे मतलब मैं हर बार अभी पुलिस में था तो मैं मुझे लगता कुछ तो गलत हुआ है मतलब मुझे उल्टा था कि इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के तो आपको एक रुबाब से आप मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंटली घूमना चाहिए तो मुझे डर लगता था और मैं हर एक को पूछता था कल ही आकाश और ये लोग कह रहे थे कि अपना हर किसी को पूछता था शायद स्पॉट से लेकर सबको और सबको पूछा था। होगा मैंने कि ठीक लग रहा है ठीक है जी ओके क्योंकि हमारे एक स्टेरी टाइप भी बन गया है ना कि इंस्पेक्टर जो है वो सिक्स पैक वाले हैं एकदम तगड़ी बॉडी वाले हैं तो मैं इसमें तो कोई एक मतलब कहीं भी ये नहीं होगा सूट नहीं होगा लेकिन किया और मुझे डायरेक्शन जो है बहुत आसान लगता है मज़ा आता है और मैं करना चाहता हूँ मुझे वो कहानियाँ बनाने में बहुत खुशी मिलती है कि मैं कहानी कहने की स्टोरी टेलर जैसे कहते हैं तो मजा आता है जो किरदार होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो एक्टिंग से तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और अच्छा लगता है डायरेक्शन में राइटिंग डायरेक्शन में लेकिन क्रिएटिव डायरेक्टर एंड को प्रोड्यूसर राइट तो वॉज देर जब आपने सोचा कि मैं ही डायरेक्ट कर लूँ या फ्रॉम द बिगिनिंग हेमंत की ही फिल्म थी ये ये बिल्कुल हेमंत ने शुरू में मुझे कहा था कि तू कर ले डायरेक्ट एकदम लिखने में आया था तो कि साथ में लिखते हैं और तू ही डायरेक्ट कर ले लेकिन हेमंत एक पहली बार फिल्म कर रहा है आ, उसकी पहली फिल्म है शॉर्ट फिल्म कुछ किया है लेकिन सेंसिबल लड़का है एक अलग सेंस है लिखने का उसका और जो ह्यूमर है जैसे देखने का नज़रिया उसका है तो हमारे डिसाइड तू तो कर हेमंत को ही मुझे कराना था और आ, मैं दूसरी फिल्म में भी कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ सुधाकर ने किया डायरेक्ट अब ये जो मैंने एक फ्रेम नाम की फिल्म है विक्रम पटवर्धन है एक्टिंग कर रहे हैं हाँ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ये डायरेक्ट कर रहे हैं right. तो मुझे ये नहीं था कि ये मुझे डायरेक्ट करना ये मेरा मुद्दा भी नहीं था आ, मतलब झुंड हो सैराट हो तो मुझे एज अ डायरेक्टर वो मैं ओन करता हूँ ये कहानियाँ और ये करूँ करता नहीं ऐसी नहीं है लेकिन ये मुझे लगता है कि नहीं हेमंत की फिल्म तू कर मैं तेरे लिए हूँ एज असिस्टेंट डायरेक्टर तू जो कहे असोसिएट डायरेक्टर जो भी है मैं हूँ और इसको टाइटल क्या देना है ये पता नहीं था लेकिन हेमंत तो और बाकी टीम ने कहा कि नागराज ने इसमें हेल्प एक्सपीरियंस है हमारा तो काम आता है और हमारा जितना स्केल था शुरू में इस फिल्म का तो बढ़ते बढ़ते गया बहुत सारे एक्टर्स थे ये थे थोड़ा सा मुश्किल था एग्जीक्यूशन वाइज और जो भी डिसीजन होते हैं छोटे छोटे तो हेमंत के लिए थोड़ा सा आ, कहते ना कि थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा लगती थी उसको तो मैंने हेल्प किया और ये हेमंत की आ, क्या कहे उसकी ये बात थी कि उसने मुझे क्रेडिट दिया तो क्रेडिट क्या देना है असिस्टेंट डायरेक्टर दो तो हूँ बड़ा उससे एक्सपीरियंस हूँ डायरेक्टर तो मैं हूँ बोल रहा था कि मुझे नहीं करना है तो वो कुल मिला के उन्होंने कहा कि क्रिएटिव डायरेक्टर मुझे आ, जो भी क्रेडिट है उन लोगों ने दिया और आ, मैं तो किसी भी टीम में हूँ मैं जो फिल्म करता हूँ मैं उसका हिस्सा हो जाता हूँ और मैं मानता हूँ कि आप ओपनर बैट्समैन हो मिडल ऑर्डर में हो या ट्वेल्थ मैन एज अ ट्वेल्थ मैन आप पाने लेके आते हो आप आपकी मनीषा यही रहती है कि आप मैच जीतो और वो किसी भी हालात में तो मेरी कोशिश वही रहती है आप मुझे कुछ भी कह लो मैं टीम का हिस्सा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे अच्छा परफॉर्म हम करें एज अ टीम और मैच जीतने की कोशिश करें यू स्पोक अबाउट अनुराग नागराज तो अनुराग ने एक इंटरव्यू में कहा कि ही टोल्ड यू कि सैराट से एक्चुअली मराठी फिल्म इंडस्ट्री खराब हो गई क्योंकि ही बिलीव कि सैराट इतनी बड़ी हिट हुई कि फिर सब लोग वो बॉक्स ऑफिस का नंबर देखने लगे फिल्म और क्वालिटी नहीं देखने लगे जी जी। तो डू यू अग्री विद डेट कि ये इम्पैक्ट हुआ आपकी फिल्म का ये इम्पैक्ट तो हुआ है सैराट का इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि लोग सैराठ जैसी फिल्म बनाना चाहते हैं लोग सौ करोड़ बनाना चाहते हैं ये अच्छी भी बात है लेकिन अनुराग जिस तरीके से मतलब इसको देख रहे हैं वो नजरिया भी सही है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मराठी की इतनी अच्छी फिल्में है बनती हैं इतनी कंटेंट की फिल्में बनती हैं अपना अपना एक कहना होता है अपना अपना तरीका होता है जैसे कि हर डायरेक्टर एक अपनी अपनी फिल्म बनाने की या कहने की कोशिश कर रहा है तो शायद उसको कुछ तो खामी ये सैराट के चक्कर में हुई होगी और क्योंकि सब पैसे को चेज कुछ करेक्ट क्योंकि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि सैराट बनाए right. क्योंकि सबको लगता है कि सौ करोड़ अगर मराठी में आ सकता है तो सौ करोड़ की फिल्म बनाओ yeah. और शायद फिर उससे कोई भी जो इंटरेस्टिंग कहानी है नई कहानी है आप एक प्रयोगशील कुछ करना चाहते हो तो उसको लोग शायद अभी थोड़ा सा साइड में रख के सब लोग एक हिट फिल्म बनाना चाहते हैं तो वो आप पहले ही हिट नहीं फिल्म बना सकते डिसाइड नहीं, तो नहीं कर सकते कि मैं एक फिल्म बना रहा अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अच्छी फिल्म कभी भी जो पहले बनी होती है दूसरी फिल्म वैसे नहीं बनती है तो अब अभी घर पर हमने की सहराट का कुछ वास्ता ही नहीं है और मुझे सहराट बनानी भी नहीं है तो मेरा दोस्त कहता था यार तू क्या अलग कर रहा है सबको सैगराट बनानी और तू तू दूसरा कुछ कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो दिक्कत शायद अनुराग को होगी कि अपनी अपनी फिल्म कही करनी चाहिए और उस मायने में वो सही भी है लेकिन इस वक्त जब अगर आप देखते हो मराठी फिल्म इंडस्ट्री को यू नो आई सो परेश मुकाशी के फिल्मी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेड विच वॉज बिग हिट रितेश देशमुख की फिल्म तो डू यू थिंक द मराठी फिल्म इंडस्ट्री इज नाउ इन अ गुड प्लेस लेक या आपको अभी भी लगता है कि बहुत अभी लंबा सफ़र है देखिए सफर तो कभी खत्म नहीं, हो नहीं होगा नहीं खत्म नहीं होगा बिल्कुल और अगर मैं कि ये बेस्ट टाइम था तो मुझे लगता है पहले भी बेस्ट टाइम आया था मतलब आप जो पहली फिल्में देखेंगे मराठी के तब भी बेस्ट था सुवर्ण काल से कहते हैं लोग की तब भी था कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी अच्छी फिल्म बन रही है पहली बार मराठी ने सौ करोड़ कमाया लेकिन इससे पहले बहुत सारी फिल्में की जिन्होंने उस टाइम शायद इतना हमको हमने एड्रेस नहीं किया दादा गौंडी की, की फिल्म सारी सुपर हिट होती थी माहिरची साड़ी नाम ना ना की एक फिल्म थी मतलब बहुत सुपर उपर हिट थी बहुत पैसे अगर कंपेरिजन किया तो बहुत ज़्यादा पैसे उसने कमाए होंगे मैं सोचता ही हूँ कि अगर साल में जैसे वेट थी वारवी थी तो कम से कम एक चार पांच बड़ी हिट होनी चाहिए मराठी में भी जो हिंदी में हो रहा है जो साउथ में हो रहा है हिट माने कमर्शियली अच्छी फिल्में तो बनती ही है और बनानी भी चाहिए और कभी कभी ना बीच की फिल्म बन जाती है ना ना तो वो कंटेंट की होती है ना तो कमर्शियल होती है और ये सिर्फ मराठी की बात नहीं मुझे लगती पूरा दुनिया का आप अगर चार्ट निकाल के देखो देखेंगे हम लोग तो हिट का रेशो कम ही हो, होता है तो ज़्यादा से ज्यादा लोगों ने अलग अलग लोगों ने मराठी में आके अपनी अपनी फिल्में बनानी चाहिए और मैं सोचता हूँ कि वही टाइम वेस्ट होगा अभी तो मुझे मैं मान रहा हूँ कि अब इस साल की शुरुआत जैसे वेडनी की है फिर वाड़वी हुआ है तो ये बेस्ट अभी का तो टाइम है और यही चलता शुरुआत चल अच्छी है, है। yeah. आ, तो ऐसा हुआ तो अच्छी बात है एकदम आपने जो हिंदी फिल्म बनाई राइट एंड यू ऑल्सो सेट इन इंटरव्यूज कि यू लाइक like, जैसे रणबीर कपूर हैं एज एक्टर्स दे आर वेरी फाइन एक्टर्स रणबीर हो विकी कौशल आपने आप उन, उनका भी नाम लिया था आपने लेकिन आई फेल आई सॉ जून कि uh, आपकी जो स्थेटिक है जो बहुत ही uh, रियलिस्टिक है जो बहुत रॉ है यू नो एंड दैट इज़ द पावर ऑफ योर सिनेमा इट्स इट हिट्स रियल पंच राइट और मुझे लगा कि उस फिल्म में अमित जी हु सच अव स्टार हम सब उन्हीं को देख के बड़े हुए हैं sure, राइट sure. yeah. right? लेकिन आई फेल ही वो आपका जो आपकी जो दुनिया आपने क्रिएट की उसमें प्रॉपरली फिट नहीं हुई राइट hmm. right? तो डू यू थिंक कि एज अ फिल्म मेकर एज अ स्टोरी टेलर आपके लिए इट्स डिफिकल्ट टू जो बॉलीवुड का एक ग्लैमरस स्थेटिक है उसको आपका जो सोल है उसमें फिट करना मुश्किल बॉलीवुड का सोल शायद अलग बात है एक्टर अलग बात है करेक्ट हाँ अब बॉलीवुड का सोल तो मान लो अब हम ढूंढेंगे तो मतलब जो फिल्में बनती है जो कंटेंट बनता है जिस तरीके का कंटेंट हमेशा प्रोमिनेंटली जो कहा जाता है अगर उसको हम सोल कहेंगे तो वो अलग है मैं मेरी फिल्में अलग है लेकिन एक्टर कोई भी हो बच्चन सर हो या उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी हो विकी कौशल जी हो या रणवीर कपूर कोई कोई भी हो तो ये मुझे दिक्कत नहीं एक्टर एक्टर होता है अब मेरी भैंड्री से लेके मेरी फिल्म में नए लोग हैं लेकिन एक कोई तो है जो बहुत काम कर चुके हैं किशोर कदम भैंड्री में थे जो मराठी में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं कर चुके हैं तो वो फिट हुए तो झुंड में भी बच्चन सर मुझे नहीं लगता है क्योंकि वो किरदार एक्चुअली जो टीचर है वो एस्टेब्लिश ही है टीचर जो टीचर हैं और ये बच्चे हैं बिगड़े बच्चे तो वो एक्चुअली वो कास्टिंग करेक्ट करेक्ट था और झुंड को मुझे लगा कि ठीक से हम आ, लोगों तक तो फिल्म पहुंचा नहीं पाए बहुत कम वक्त मिला उस दौरान बहुत सारी फिल्में आ रही थी लॉकडाउन और ये कोविड का डर था सब लोग भाग रहे थे कि रिलीज करो और चलो टाइप yeah. का yeah. तो वो थोड़ा सा था नहीं तो मुझे मुझे लगता है कि मुझे जैसी तो फिल्म बनानी थी वैसे मैंने बनाई है आपकी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं है कुछ नहीं किया बच्चन सर ने इतना हेल्प किया इतना शूटिंग मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो मैं करना नहीं चाहता था वो हो गया कहते हैं ना कि मैं मैंने मजबूरी में किया या प्रेशर में किया ऐसा कुछ नहीं झुंड जैसे मुझे बनानी थी वैसे ही बनी है। और आप देखेंगे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो सब मैं सीन भी देखता हूँ इतने सारे कि वो, वो सारे बच्चों में बच्चन सर हैं जो ये सब बिगड़े लड़के हैं वो 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 जो उनके घर में, एक घर किया में था वाज वाज लवली लवली जब वो कहता एक बातें बाते करते हाँ, हैं एंड देन वन है कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि correct, तुम कैसे हो करेक्ट yeah. तो मुझे लगता है 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 कि कि ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। बच्चन सर इतने इतने मतलब हैं कह कभी कभी डर लगता है ना कि मैं सर को कैसे कन्वे कर पाऊँगा या तो वो खुद इतने अच्छे इंसान भी है और सेट पे कभी नहीं लगता मतलब तो हमको बहुत डर था पहले आठ दिन तो मैंने सबको डरा के रखा कुछ गलती मत करो कि सर आ रहे हैं क्योंकि मेरी टीम बहुत अटपटी टीम है हाँ। नए लोग हैं सब मराठी में दो फिल्म कर चुके हैं आठ पाठ उसका मीनिंग अलग है कि हिंदी माने जो होता है ना वंस अपन टाइम जैसे कहते ना हम तो वैसे एक नगर होता है जिसमें सारी काल्पनिक कथाएं पे घटित होती है, या वहा, वहां से पैदा होती है। हाँ। तो आठ पार्ट कोई भी कहानी कहेंगे ना आप तो उसमें एक राजा था एक आठ पाट नगर था उसमें एक चोर था अच्छा। तो सारी कहानी उसमें आ, हो, सकती हो, हो सकती है इसीलिए आठ पार्टो ये मेरी टीम को मैंने बहुत डरा धमकी कहा ठीक से करो एक्चुअली जैसे हो वो हमने बहुत ये किया प्लान लेकिन फिर फिर वैसे ही हुआ जैसे हम बहुत ही क्या कहें आ, मतलब किरण जी ने मुझे कहा था वो डर गई थी ये क्या कैसे काम कर रहे हैं जब मैंने ये आ, अपना पानी फाउंडेशन का गाना शूट किया था तो सत्य पटवर्धन और, और वो सब लोग आए थे उनको लगा ये कुछ गलत हो रहा है लेकिन बाद में पता चला कि इनका काम का तरीका ही ऐसा है कि <laughs> वो पता नहीं चलता कौन क्या काम कर रहा है जिसका डिजिग्नेशन जो भी है सब छोड़ के सब मिल के काम करते हैं तो बच्चन सर के सामने मुझे लगा कि यार ये लोग सब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है लेकिन सर ने कभी भी हमको प्रेशर नहीं आ, मतलब किया या महसूस नहीं कराया कि सर है और सर की सारी टीम बच्चन सर तो बिल्कुल जैसे होना था इतना स्मूथली काम वैसे हुआ।, 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 हुआ इतने नए लोगों के साथ मतलब कभी कभी लगता था कि गलतियां कर रहे हैं मतलब बच्चन सर के सामने ऐसे अटपटे लोग हैं और रिटेक उनके लिए कर रहा हूँ मैं तो मुझे बहुत डर लगता था कि सर को जाके मैं कैसे बोलूँ कि रिटेक कर रहा हूँ लेकिन इनके लिए कर रहा हूँ लेकिन मैंने एक बोल मतलब मन में ये कहा कि सर को सच जाके बोल बोलना है कि सर इनके लिए करना है और एक करना है तो बिल्कुल सर कोई नहीं कोई इशू नहीं ओ टी एस के लिए हम मतलब मैं या कोई एक लड़का था जो लंबा था उनको हम तो सर ने बिल्कुल कर नहीं दिया कोई एकदम जो है ना छोटा मोटा तो हमने वो कपड़े पहन के जो बहुत ही कहते मामूली शॉट है ऐसा किया तो सर सारे शॉट्स खुद, खुद के, और इतना ये था तो मुझे कहीं नहीं लगता कि ये मिल्ट नहीं हुआ या ये या ऐसे नहीं हुआ ये बिल्कुल हुआ है दिक्कत इस बात की थी कि ठीक से फिल्म पहुंचा नहीं पाए आज भी लोग देखते हैं कि अच्छी लगती है सबको फिल्म ना। तो वो अभी भी एक एम्बिशन है कि फिर से ना हिंदी मराठी तमिल तिलु सब कुछ सोचते हैं लैंग्वेज लैंग्वेज सोचते हैं सही सही माने में नहीं सोचता मुझे लगता है कि फिल्म इट्स इज ए लैंग्वेज कि वो उसका एक हिंदी एक फिल्म की लैंग्वेज हिंदी हो सकती है एक फिल्म की लैंग्वेज मराठी हो सकती है फिल्म मराठी नहीं हो सकती है, फिल्म हिंदी नहीं हो सकती तमिल तेलुगु नहीं फिल्म है नाटक है ये ये एक लैंग्वेज है खुद अपने कविता खुद एक अलग तरीके का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है तो मुझे लगता है कि मैं लैंग्वेज की बात अगर आप करें तो मेरा माध्यम फिल्म है वो किसी भी लैंग्वेज में जाए साइलेंट फिल्म बना दूँ अगर कल जाके तो आप उसको क्या कहेंगे तो फिर हम साइलेंट लैंग्वेज साइलेंट साइलेंट फिल्म बोलेंगे अपनी uh, समझने के लिए और थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए लेकिन फिल्म मैं मानता हूँ खुद एक लैंग्वेज है वो हिंदी हो सकती है मराठी हो सकती है कभी कभी कल्चरली उसको मराठी होना पड़ता है हिंदी होना पड़ता है लेकिन वो फिल्म है तो मुझे दिक्कत नहीं है मैं हर एक लैंग्वेज में बनाऊँगा और मैं सोचता नहीं हूँ उसके बारे में अच्छा और मटका किंग का क्या हो रहा है अभी चल रहा है सब कुछ तैयारी हमारी चल रही है इट साउंड वेरी एक्साइटिंग हाँ मतलब इंटरेस्टिंग है आ. और ये फिर वैसे है कि जो मैं जैसे फिल्में करता हूँ जैसे कहानियाँ कहता हूँ उससे अलग है लेकिन कुछ ना कुछ मेरी ये सारी कहते हैं ये अनुभव से मेरा कुछ रिश्ता है बचपन से और हम उसको अलग ढंग से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा ही <laughs> मैंने आई थिंक पिछले साल या शायद उससे के पहले साल एक फोटो देखी कोई फंक्शन था हां <laughs> जिसमें आप थे नीरज गहवाल थे और पारانجيب हाँ हाँ हां करेक्ट करेक्ट और मैं उस फोटो को देख के मैं सोच रही थी कि माय गॉड सो मच टैलेंट इन वन फ्रेम ये बताइए मुझे कि आप तीनों में बातें क्या हुईं एंड डू यू फील नागराज की इंडियन सिनेमा हैज कम टू अ प्लेस जहां पर वी आर Addressing caste properly, we are saying this is a problem. Tell me now. ये आ, तो हम तीनों चेन्नई में मिले थे अच्छा। दलित फिल्म फेस्टिवल था हाँ? और रंजीत ने हम लोगों को इनवाइट किया था और हम मिलते रहते उससे पहले मैं और रंजीत अमेरिका में मिले थे और बातें होती रहती है फिल्मों के बारे में तो रंजीत का खुद का एक नज़रिया है नीरज का एक है मैं मेरी सोच से फिल्में बनाता हूँ और हम लोग मतलब तीन डायरेक्टर हैं जो तीन नज़रिया रखते हैं अपना अपना और हम जब भी मिलते हैं डिस्कस करते हैं और मुझे जैसे आपने कहा ना कि इस बात की मुझे आज खुशी है या इसका स्वागत करना चाहिए कि ये ओपनली बात हो रही है और जब तक आप मानोगी नहीं कि ये प्रॉब्लम है तब तक आप वो प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करोगी नहीं जब तक आप उसको छुपा रहे हो नकार रहे हो या मतलब ना बोल रही नहीं है नहीं, है, नहीं। है नहीं मतलब उसको कुछ सुधारने की जरूरत ही नहीं है तो अभी ये हो रहा है कि बात हो रही है और सारे जो भी आ, आ, आर्टिकल फिफ्टीन फिल्म आई आ, नीरज ने जो शॉर्ट फिल्म की थी गीली पूछी, पूछी या।, आ, या रंजीत जो भी करता है वो तो मुझे अच्छा लगता है आ, ये इस मारी सेलवार लेकिन सबका एक तरीका है मुझे वो एग्रेशन मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा शायद जो एक अलग कहने का तरीका है शायद रंजीत को लगता है कि उसका एक तरीका है लेकिन ये जरूरी है हर एक तरीके से ये बात सामने रखना जरूरी है बात होनी जरूरी है और जब बात करेंगे तभी उस मुद्दे पे कुछ सोचा जा सकता है और उसका हल ढूंढा जा सकता है फिल्म पूरा हल नहीं देगी कभी नहीं और ज़िंदगी की सुधारेगी की नहीं लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि तेरी फिल्म देख के सोशल चेंज आया है क्या तो ये बहुत बहुत ही होपफुल बात हो गई कि कोई फिल्म देख के चेंज हुआ लेकिन एक मुद्दे को उठा के समझ के सामने रख सकती है सोचने पे मजबूर कर सकती है उससे कुछ बदलाव का अगर शुरुआत भी हुआ और वो शायद बहुत लंबा होता है ये चेंज तो उस बात के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसी हम लोग कास्ट के ऊपर हर तरीके की डिस्क्रिमिनेशन के लिए जेंडर हो कास्ट हो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और उस वो मुद्दे को लेकर हम कुछ आशा रख रहे हैं कि दुनिया आगे की शायद इससे बेहतर हो तो ये बहुत अच्छी बात है हम तीनों में ऐसी ही बातें होती हैं और एक्चुअली हमारा वो प्रोग्राम में ही मिलना हुआ हमने डिसाइड किया था कि हम कभी मिलेंगे मुंबई या पुणा या चेन्नई में और थोड़ा सा ठीक से बात करें सब लोगों को yeah. मतलब मैंने कहा सब लोग मतलब हम तीनों तो मान लो कि जो दलित फिल्म बनाते हैं लेकिन मैंने कहा नहीं सबके साथ मिलना चाहिए सब लोगों को उमेश को अनुराग कोई भी मतलब मैं तो मानता हूँ कि हम सब मिलकर कभी बात करनी चाहिए कि होना क्या चाहिए right. किस तरीके की फिल्में बननी चाहिए जैसे राउंड टेबल था ना तो वैसे सब ने एक राउंड टेबल ऐसे

इस साल अगर मई के बाद शुरू करूं तो वो करूं और एक हिंदी फिल्म भी एक दो है जिस एक दो हाँ स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं और अगर वो कहने लायक बात हो गई तो मैं पक्का आपको बताऊंगा और मेरा स्पीड बहुत स्लो था पहले मतलब झुंड के बाद मैंने अभी तक मतलब सैराट से लेके झुंड और अभी कुछ नहीं किया ये शॉर्ट फिल्म किया लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी काम करना है वक्त देखे उतनी ही गंभीरतापूर्वक करना है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है तो आने वाले समय में आ, इस चार पाँच साल में मुझे कम से कम मेरी डिरेक्ट की हुई फिल्में आ, दो साल में तीन या मान लो तीन तो फिल्म ही करनी है मुझे ऐसे में सोचा देखते हैं क्या होता है लेकिन, <laughs> लिखा बहुत कुछ है लिख के मैंने बहुत रखा है हाँ। लेकिन क्या होता है कि फिल्म आप फिल्म बनाते हो और वो फिल्म भी आपको बिजी कर देती है अलग ढंग से सहराट के बाद मैं ज़रा कुछ अजीब ढंग से बिजी हो गया झुंड में बहुत सारी अड़चनें आती गई तो उसको भी जितना टाइम लगना था उससे ज़्यादा टाइम लगा लेकिन शायद अभी थोड़ा स्पीड से करूँगा काम

तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि याचा कंटेंट भारीच असतो तर हा चॅनल तुम्ही लाईक कॉमेंट आणि सबस्क्राईब करा